नमस्ते, टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, वो है ठंडई। होली आ रही है और मेरा ये रेसिपी देखने के बाद ना, मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर इस होली में ठंडई बनाकर पिएंगे। इतना आसान होता है, बिलीव मी। जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना ठंडई बनाना, आप रेसिपी देखेंगे, बनाने का तरीका देखेंगे, आप इस बार होली में ठंडई बनाकर पीना ही पीना है आपको। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। इंग्रेडिएंट्स में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 1.25 लीटर दूध ले लिया है, होल मिल्क। जहाँ तक कोशिश ये करें कि होल मिल्क का ही इस्तेमाल करें, उसमें काफ़ी टेस्टी बनता है। और 1 कप शक्कर, शक्कर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये इक्वल क्वांटिटी में लिया है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पे। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है बादाम, 2 टेबलस्पून खरबूज का बीज है, और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है पिस्ता, 2 टेबलस्पून काजू, और ये मैंने 8 लिया है इलायची, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है सौंफ, 1 टेबलस्पून खसखस, 1 टीस्पून मैंने रोज़ वाटर लिया है। इस जगह पे आप रोज़ का पत्ती भी ले सकते हैं। और ये है 1/2 टीस्पून काली मिर्च, और 1 पिंच फुल मैंने लिया है ये केसर। तो हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमें भिगाना है। तो कोशिश ये करें, जहाँ तक कोशिश ये करें कि ओवरनाइट, मतलब 7-8 घंटे आप भिगा के इन सब इंग्रेडिएंट्स को रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ओवरनाइट भिगा करके मैंने सारा ड्राई फ्रूट्स एक साथ ही मैंने भिगा करके रखा है। सिर्फ और सिर्फ बादाम को मैंने अलग से भिगाया है, और बाकी सारा इंग्रेडिएंट्स थोड़े से पानी में हमें सब कुछ एक साथ भिगा देना है। और ये जो केसर है, इसमें से 1/2 केसर, 1 पिंच जो है केसर, इसके साथ भिगाना है। और बाकी का केसर जो रहेगा, वो जब ठंडाई हम बनाएंगे तो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बादाम अलग से क्यों भिगाया था, सब कुछ एक साथ भिगा दिया था। ये इलायची भी मैंने साथ में ही भिगाया था, लेकिन मैंने अब निकाल लिया है मॉर्निंग में, क्योंकि इसका स्किन मुझे निकालना है। अंदर का जो इसका सीड है वही हमें चाहिए, और बादाम को हमें छील लेना है। तो इन दोनों, ये इजी हो जाएगा अगर मैं अलग से भिगाएंगे तो इसको हमें सारे बादाम को छील करके हमें अब इसी के साथ ही ले लेना है। नहीं है तो ये हमें छीलने से पहले ना, हम पहले अपने दूध को बॉयल होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे हमने तपेली रख दिया है, अब दूध को इसमें डाल के हमें इसको खौलाना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक बॉइल आ जाए इसमें, फिर उसके बाद हम आँच को बंद कर देंगे। तो अब चलो, अब हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं इसमें डालने के लिए। दूध के साथ ही ना हम शक्कर हमारा डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा हम केसर डाल देंगे, इतना सा, ताकि केसर अभी इसलिए थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा दूध में। तो अब इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। अब चलो हम आगे का काम करते हैं। दूध बॉयल हो रहा है हमारा, ध्यान मत हटाना दूध से, नहीं तो दूध बह जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं, कुछ लोग उसको कच्चे दूध में भी बनाते हैं ठंडाई, लेकिन ज़्यादातर जो बॉयल किया हुआ दूध रहता है ना, उसका टेस्ट ही एकदम अलग आता है। तो अगर मैं आपके पास बॉयल किया हुआ दूध हो पहले से, तो आप उसमें आराम से सारा ये इंग्रेडिएंट्स पीस के बस आपको उसमें डाल के और मस्त ठंडा करके आपको इंजॉय ही करना है, आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर दूध बॉयल कर रही हूँ अभी। तो इसी तरह से हमें बादाम को छील के सब ले लेना है। दूध जो हमने रखा है बॉयल होने के लिए ना, उसको बीच बीच में चलाते रहना, नहीं तो नीचे से लग जाएगा दूध, फिर ठंडाई का टेस्ट जला जला अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर हमारे दूध में उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसको और खौलाना नहीं है, बस मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। हमें पैक करना है ड्राई फ्रूट्स को, पीस लेना है एकदम बारीक। अब हम स्पून की सहायता से जार में हमारा सारा ये ड्राई फ्रूट्स जो है
डाल के हम एकदम बारीक पीस लेंगे और ये पानी हम इसी में यूज़ कर लेंगे इस तरह से। इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं जो ये दूध बॉईल की हूँ ना इसी में से थोड़ा सा दूध इसमें डाल करके पीस लूँगे, पानी और नहीं डालूँगी इसमें। यहाँ पे हमें इस तरह से एकदम बारीक पेस्ट बना लेना है इसका। यहाँ पे जो मसाले को पीस के निकाला है ड्राई फ्रूट्स को, अब इसको सब हम इस दूध में डाल देंगे और यहाँ पे जितना भी इंग्रेडिएंट सिखाया है ना आप इसमें कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको मिलाने के बाद एकदम अच्छे से हमें एकदम अच्छे से इसको मिलाना है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया है और जार को भी धो के इसी में डाल दिया है। मैंने कुछ भी वेस्ट नहीं किया है। कुछ लोग होते हैं इसको छान के मसाले को एकदम अच्छे से छान के डालते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं करती हूँ क्योंकि जो जितने भी मसाले हैं ना थोड़ा सा अगर मैं दांत के नीचे आते भी है ना कुछ इस तरह से दिखते भी है ना बहुत टेस्टी लगता है पीने में। मैं कुछ वेस्ट नहीं किया है, मैंने सब कुछ ऐसे ही डाल दिया है। अब इसमें रोज़ वाटर जो है 1 टीस्पून ये भी मैं ऐड कर दूँगी। अब ठंडाई जो है वो ठंडा अच्छा लगता है तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको एकदम बहुत ज़्यादा गर्म है ये अभी तो मैं इसको आधे घंटे के लिए थोड़ा सा इस तरह से 30 मिनट के लिए इस तरह से करके मैं हाफ कवर करके रख दे रही हूँ बाहर। इसके बाद में इसको फ्रिज में डाल करके 4-5 घंटा एकदम फ्रिज में इसको कोल्ड करूँगी, अच्छे से कोल्ड हो जाएगा फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा एकदम से ठंडा एकदम ठंडा हो गया है, देख सकते हैं आप एकदम पीने के लिए रेडी हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक ग्लास में। इस तरह से और ऊपर से हम थोड़ा कटा हुआ बारीक एकदम पिस्ता डाल देंगे और थोड़ा सा केसर इस तरह से। आप हमारा ठंडाई बनकर एकदम रेडी हो गया है, देख सकते हैं कितना डिलीशियस एकदम ठंडाई हमारा बना हुआ है। देखा आप लोगों ने कितना आसान है ठंडाई घर पे बनाना। इस ठंडाई को आप एक दिन होली के एक दिन पहले आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं क्योंकि ठंडाई ठंडा होना चाहिए। तो और जितने देर तक ये सारा इंग्रेडिएंट साथ में दूध के साथ ये भीगा रहेगा ना उतना ही इसका टेस्ट निखर के आएगा। आप 2-3 दिन आराम से फ्रिज में रख के इस ठंडाई को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग एक काम करना, इस बार होली में तो आपको बनाना ही बनाना है ठंडाई, एक दिन पहले बना लेना और होली के दिन सिर्फ हाफ कलर खेलना और जो करते हैं वो करना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ बैठकर एकदम ठंडा ठंडा ठंडाई एंजॉय करना। तो इस तरह से आप लोग भी ठंडाई बनाना और टेस्ट करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।